नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे ऑप्शनल के बारे में, यानी कि वैकल्पिक विषय के बारे में। ऑप्शनल या फिर वैकल्पिक विषय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम के सिलेक्शन में, चाहे वो यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या फिर कोई भी ऐसा स्टेट पीसीएस हो जहां पे वैकल्पिक विषय है। ठीक है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि भैया कौन सा ऑप्शनल बेस्ट हो सकता है, कैसे कैसे जो है ऑप्शन आपको चूज करना है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं आखिर कि आपको ऑप्शन चूज करना पड़े। और अगर आप लोग नए हैं, एकदम स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, 2021-22 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये जरूर देख लीजिएगा। 2020 के जो यूपी पीसीएस वाले लोग हैं वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक मेंस का जो 2020 का फॉर्म है वो नहीं आया है। और यूपी पीसीएस में क्या रूल है कि मेंस के टाइम ही ऑप्शन भरना होता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें चर्चा करते हैं यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या होने चाहिए। ये सारे फैक्टर्स हैं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप जो है एकदम से, जब आप तैयारी कर रहे हो तो एकदम से आपने कोई भी जो है, किसी ने बताया कि भैया ये वाला कर लो, किसी ने बताया वो वाला कर लो, कोई कह रहा है नंबर इसमें ज्यादा आते हैं, कोई कह रहा है इसका सिलेबस नहीं है, कोई कह रहा है जो है इसमें हिंदी में लिख दोगे तो ज्यादा कम मार्क्स मिलेंगे, इंग्लिश में लिख दोगे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये सारे हैं फैक्टर्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी फैक्टर है आपका इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो चाहे आप जो भी कर लो, चाहे सरल ऑप्शनल भी ले लो, तब भी उसमें मार्क्स दिला पाओगे। और अगर आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें महारत हासिल करे हुए हो, आप उस चीज के एक्सपर्ट हो, तो चाहे आप अनकॉमन सिलेबस भी ले लो, अनकॉमन ऑप्शनल ले लो जो कोई नहीं लेता है, या फिर ऐसा ले लो जिसका जीएस से कोई लेना देना नहीं है, तब भी आप वहां पर टॉप करके आओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट है कि नहीं है ये कैसे जानोगे, इसके लिए आप क्या करिए कि अगर आप एकदम जैसे एकदम ही नए हैं तो पहले जीएस पढ़िए, 3-4-5 महीने कम से कम पढ़िए। अगर देखिए एक साल की तैयारी का अगर आप टाइम लेंगे तो आधा टाइम जब आपका गुजरने वाला हो, ठीक है, एक साल का अगर आप पूरा टाइम फ्रेम लेंगे 2021 के लिए या 2022 के लिए, तो आप जो है जब जीएस पूरा पढ़ लीजिए, जीएस में क्या पढ़िए, बेसिक पढ़िए, पहले एनसीईआरटी पूरी जो है गो थ्रू कर लीजिए, इकोनॉमी की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, सारी चीजें एक बार पढ़ लीजिए, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा आपका माइंड मेकअप हो जाएगा कि भैया इसमें जो है हमको पसंद क्या क्या चीजें हैं। अगर इंटरेस्ट आपका जो है हिस्ट्री पढ़ने में ज्यादा आता है तो हिस्ट्री ले लीजिए, अगर आपका जो है पॉलिटिकल ज्यादा इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन में आप जो है काफी चीजें जो है आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं, कोई इंटरनेशनल इवेंट चल रही है उसमें आपका बहुत एक जो है अलग से इंटरेस्ट डेवलप होता है, आप उसको हॉबी की तरह जो है लेते हैं, तो आपको वो वाला लेना चाहिए। आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है अगर एडमिनिस्ट्रेशन में तो आप पपेट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं थोड़ा सा, बल्कि एनसीईआरटी में आपको सोशियोलॉजी वाला भी जो है वो वाली बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसका भी कहीं ना कहीं यूज होता जरूर है, चाहे वो मेंस में हो, ठीक है, जीएस पेपर वन में। तो बेसिक पेपर, बेसिक जो बुक्स है वो आप पढ़ के ये जान सकते हो कि भैया आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। और दूसरी बात ये भी कि आपने ग्रेजुएशन जब किया होगा तब भी आपको पता होगा कि भैया आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, हिस्ट्री पढ़ने में ज्यादा मजा आता है कि पॉलिटी पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने में ज्यादा मजा आता है कि सोशियोलॉजी पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका इंटरेस्ट, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट से कुछ नहीं होगा। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भैया वो सोर्स जो है अवेलेबल है कि नहीं है। अगर आपने ऐसा कोई ऑप्शनल ले लिया कि आपको, और वो भी मीडियम ऐसा ले लिया कि आपको उसकी बुक ही नहीं मिल रही है, उसके रिसोर्स ही नहीं मिल रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इस सारी चीजों को करके आप ये सारे फैक्टर देखिए और फिर खुद एनालाइज करिए, क्योंकि आपको आपसे अच्छा, बेहतर, आपसे बढ़िया कोई नहीं जान सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। ठीक है, आप बाकी सब लोगों से झूठ बोल सकते हो लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो। तो आपको ये सारे फैक्टर देख के खुद एनालाइज करना है, तब जाके, वैसे भी जब इतना बड़ा स्टेप लिया है कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम ये सारी चीजें भी एनालाइज करना सीखिए, अपने डिसीजन भी तो खुद लेना सीखो भैया, लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन तो आपने पहले ले लिया है, तो अवेलेबिलिटी है कि नहीं, उसकी बुक्स अवेलेबल है कि नहीं, इवन अगर मान लो बुक्स अवेलेबल नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि नहीं है, कैसे पैटर्न पता लगेगा आपको, अगर उसमें भी नहीं है, मान लीजिए आप कोई वर्किंग है तो क्या उसका ऑनलाइन कोई सोर्स है कि नहीं है, उसकी कोई पीडीएफ है कि नहीं, तो ये वाला फिर फैक्टर हो गया। फिर तीसरा जो है सबसे ज्यादा फायदेमंद स्टेप ये होता है इफेक्टिव स्टडी का। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने ऑप्शन ऐसा ले लिया जो एवरग्रीन है, एवरग्रीन का क्या मतलब होगा, जैसे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, पबेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अगर ये वाले आपने ऑप्शन लिए है ना, सोशियोलॉजी भी थोड़ा बहुत, तो ये वाले ऑप्शन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप साथ साथ आपकी जीएस की भी तैयारी हो रही है, मतलब आपका जो है टाइम लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन आपने ऐसा ऑप्शन लिया कि मैथ्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, जहां पे आपको अलग से टाइम देना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए मेंस में क्या है, मेंस में आपका जीएस का बहुत बड़ा वेटेज है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो,
जीएस का वेटेज बहुत ज्यादा है, 50% से ज्यादा है जीएस का वेटेज, ठीक है। तो अगर आप ऐसा ऑप्शन ले लें जो जीएस से कॉमन हो जाए और उसमें अगर आपका इंटरेस्ट भी हो जाए तो फिर तो मजे ही मजे हैं, क्योंकि ये जो एवर ग्रीन ऑप्शनल है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, पबेट हो और या फिर जो है आपका ज्योग्राफी हो, इसका मटेरियल भी हर जगह ऑलमोस्ट मिल जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, जो दोनों माध्यम में भी सब कुछ मिल जाता है, आंसर राइटिंग के लिए भी कई सारे जो है कोचिंग वाले चलाते रहते हैं, मतलब रिसोर्सेज बहुत सारे मिल सकते हैं आपको। तो क्या वो एवर ग्रीन है कि नहीं, अब उसमें वही चीज देखनी कि भैया अगर जीएस तो कॉमन है तो बहुत ही बढ़िया है। फिर एक चीज आपको ये देखनी है कि अगर आप ऐसा ऑप्शन कोई ले सकते हो जो लैंग्वेज है, जैसे लिटरेचर है, इंग्लिश ले लिया, हिंदी ले लिया, संस्कृत ले लिया, उर्दू ले लिया, इसमें क्या है, इसमें सिलेबस होता है बहुत कम, ठीक है, क्योंकि एक फैक्टर सिलेबस भी है। ऐसा नहीं कि भैया आपके पास, मान लीजिए आपने ऑप्शनल की तैयारी करने के लिए सोचा, जैसे यूपीपीएससी 2020 वाले लोग हैं अभी, ठीक है, अब मान लीजिए एग्जाम जब भी हुआ उसको 2-3 महीने बाद होगा मेंस, तो अगर आपने पहले से जो अब ये वाले अगर आपने ले लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पबेड और ज्योग्राफी, और ये आप सोच रहे हो कि लास्ट के 2 महीने में कर लेंगे, तो भैया नहीं हो पाएगा, घंटा कुछ नहीं होगा इसमें। आपको जो मेंस वाले जो ऑप्शनल के लिए होता है, ऑप्शनल के लिए आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना होता है भैया, बिल्कुल डिटेल पता होनी चाहिए, बेसिक से लेकर डेप्थ तक पूरी पता होनी चाहिए, और उसका आप आंसर राइटिंग भी कर सको, ये भी इतने लेवल तक तैयारी होनी चाहिए। हाँ, अगर छोटे मोटे ऑप्शनल जैसे सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी है, ये वाले जो ऑप्शनल है, ये 2-3 महीने में तैयारी करी जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने जैसे ये लिटरेचर वाला आपकी कोई मजबूत है, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत वाली, उर्दू वाली, इसमें फायदा हो जाता है, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटर होते हैं कम, ठीक है, तो इसमें आपको सिलेबस पढ़ना है कम, पत्ती यहां पे कम है और जो है आउटपुट ज्यादा है, ये वाली चीज है। और एक और फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सिलेबस, सिलेबस ही तो मेन खेल है। अगर आपने वो मैंने बताया ना कि अगर आपने एवरग्रीन ऑप्शन लिया, तो यहां पे जो है एवरग्रीन में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जिसका सिलेबस ज्यादा होता है, एक होता है जिसका सिलेबस कम होता है। एवरग्रीन का क्या मतलब हुआ कि वो जीएस में भी हेल्प करता है आपको। अब देखते हैं, जैसे लिस्ट मान लीजिए, देखें मेरे हिसाब से, देखिए सिर्फ मेरी एनालिसिस के हिसाब से है, आप अगर किसी चीज के एक्सपर्ट हैं, मान लीजिए आपने मैथ्स जिंदगी भर जो है पढ़ी है, आपने ग्रेजुएशन भी किया है, उसमें बहुत अच्छा आपको मैथ आती है, आपको पता है कि आपके आगे कोई नहीं टिक सकता है मैथ में, तो आप मैथ ही लीजिए। इकोनॉमी में लगता है तो इकोनॉमी लीजिए, मेडिकल साइंस में लगता है तो मेडिकल साइंस लीजिए, जूलॉजी में लगता है, बॉटनी में लगता है, किसी भी ऐसे सब्जेक्ट में अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपकी बहुत ज्यादा वहां पे एक्सपीरियंस है, पूरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट वहां पे लगा हुआ है, तो प्लीज आप वही वाला रखिएगा, उसके लिए उसी में तैयारी करिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, उसके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। लेकिन अगर कोई नहीं लिया है, इंटरेस्ट भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई चीज समझ ही नहीं आ रही कि भैया कौन सा ले यार, हमारे पास ना इंटरेस्ट है ना हमारे पास जो है अवेलेबल है, कैसे, अब तुम ही बता दो, तो तुम ही बता दो, तो मेरी एनालिसिस के हिसाब से ये है, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ मेरी रिसर्च के हिसाब से, अगर आप ये कोई भी ऑप्शन ले रहे हैं तो प्लीज अपनी रिस्क पे लीजिएगा। बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से कौन से हो सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, पबेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लेकिन इनका सिलेबस बहुत बड़ा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इनमें से आपने लिया कोई, तो जीएस में बहुत ज्यादा फायदा होगा, मजा आ जाएगी, बिल्कुल जो है खोद के रख दोगे, बिल्कुल समझ में। और ये जो है स्मॉल सिलेबस वाले कौन कौन से, ये छोटे छोटे ऑप्शन है, लेकिन ये बहुत जल्दी किए जा सकते हैं, मतलब बहुत जरा जरा से सिलेबस है, बहुत जरा सा, ऐसा नहीं कि भैया 4-5 पढ़ने का है, एज कंपेयर टू ये वाले ऑप्शन, ठीक है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, पबेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनका सिलेबस बहुत ज्यादा पड़ा है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें फायदा ये है कि क्योंकि अगर आप जीएस पढ़ोगे, जीएस है क्या, जीएस में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट साइंस, यही सब तो है। अगर आप इसी का ऑप्शनल ले लो तो जीएस तो पढ़नी है, और ऑप्शनल में पढ़ लिया, बल्कि आपने और ज्यादा जो है उसको डेप्थ में पढ़ लिया, तो जीएस में और फायदा हो जाएगा, ऑप्शनल में भी फायदा होगा। लेकिन इसमें यह भी कि कई सारे लोग लेते हैं तो थोड़ा बहुत स्केलिंग में भी यहाँ पे खेला हो जाता है, स्केलिंग वाला खेला इसमें नहीं बताएंगे हम, इसमें सिर्फ ये देखेंगे कौन सा ऑप्शनल बढ़िया होता है बस, ठीक है। तो ये वाले सोशियोलॉजी, फिलोसफी, एंथ्रो वाले, ये स्मॉल सिलेबस है, आप चाहे तो ले सकते हैं, कम टाइम में इसको किया जा सकता है, नोट्स कोचिंग के जो है ये सब मिल सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, अगर आपको कोई ना मिले तो यूपीपीएससी के लिए तो जो है शिल्पी पब्लिकेशन का मैंने सुना है नाम, उनके आते हैं, और यूपीएससी वाले जो ऑप्शनल के पेपर होते हैं वो अपनी साइट पे ही डाल लगते हैं। एक आपको और मैं चीज बताऊंगा, अगर आपको यूपीपीएससी का मान लीजिए कोई नहीं समझ में आ रहा ऑप्शनल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पता लग रहा है, तो आप वही ऑप्शनल का, मान लीजिए आपको जूलॉजी का नहीं मिल रहा है, तो आप यूपीएससी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस का पेपर उठा लो, थोड़ा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि यूपीपीएससी क्या करता है, ज्यादातर कई बार ऐसा मैंने देखा है, एनालिसिस करता रहता हूं, कि पीसीएस वाले लोग जो यूपीएससी वाले मेंस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, जो ऑप्शन आए हुए हैं, उन्हीं को जो है रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है।
अनकॉमन कौन कौन से हैं? इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और जो है सिविल और इलेक्ट्रिकल, कॉमर्स, मेडिकल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, लॉ, बॉटनी, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स, पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जूलॉजी और ये जो है आपका एग्रीकल्चर, ये वाले थोड़े अनकॉमन है। हालांकि इसमें भी लोगों के बहुत नंबर आते हैं। जो लोग एसीएफ की तैयारी करते हैं वो लोग जूलॉजी ले सकते हैं, ठीक है, और प्लस अगर किसी की इकोनॉमिक्स अच्छी तो वो ले सकते हैं। लॉ अगर जो है किसी ने जो है वकालत गलत कर रखी है तो भैया उसको लॉ ही लेना चाहिए, जब उसने जिंदगी भर वही पढ़ा है तो वो ले लीजिए। मतलब सिंपल बात यही कि आप अपने पर्सनालिटी के हिसाब से, आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, आपने जिंदगी भर पढ़ाई कैसे की उसके हिसाब से, आपका इंटरेस्ट कैसा है, आप जो है कितने शार्प माइंडेड हैं, कितनी जल्दी चीजों को कवर करते हैं, कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपकी हॉबी में इन्वॉल्व है, मतलब आपके इंटरेस्ट पे है, तो भैया ऐसा अगर कुछ है तो वही लेना, ठीक है। इसमें किसी का भी बात मत मानना, मेरा भी वीडियो देख लो, बाकी जहां जहां जो है ऑप्शन के लोग बता रहे हैं उन सबका वीडियो देखिए और फिर खुद जीएस पढ़िए और खुद अपने आप डिसाइड करिए। अब आप जो है बताएंगे अगर आपने इस वीडियो के बाद और प्लस जो है कई सारे लोग के देखने बाद कि कौन सा ऑप्शन आपने चूज किया। मेरी किसी भी जो है बात से आपको लगता है कि आप सहमत नहीं है तो बिल्कुल आप जो है असहमत हो सकते हैं, ये मेरी रिसर्च पे बेस्ड है। हाँ, कुछ लिटरेचर जैसे कौन सा है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इसमें सिलेबस थोड़ा कम होता है, अनकॉमन होता है, कॉम्पिटिशन थोड़ा कम होता है, नंबर मिल जाते हैं, इसलिए ये वाले भी लिए जा सकते हैं। अगर किसी ने जो है ये वाली अपनी पढ़, कई लोगों को मैंने सुना ऐसे कम टाइम में ये वाली तैयारी करके, लेकिन इनका ये है कि आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। अब देखिए ऑप्शनल के लिए एक चीज और मैं बताऊंगा आपको लास्ट में कि भैया जब ये आपने तैयारी चालू करी, जैसे 2021 वाले अगर अभी से सोच रहे हैं तो आप पहले जो है 4-5 महीने जीएस में पूरा घुस जाओ, करंट अफेयर घुस जाओ, मेंस के और प्री के पेपर पूरे देख लो, तब जाके ऑप्शन डिसाइड करना, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। 2020 की जो लोग यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अभी से थोड़ा होल जाना चाहिए, क्योंकि अभी से उनको प्रिपेयर करना चालू कर देना चाहिए। मान लीजिए यूपीपीएससी जब भी हो 2020 वाला, लेकिन उसके तो 2 महीने के अंदर वो करा लेंगे आयोग, मतलब इस साल के एंड तक मेरे हिसाब से 2020 वाला प्री मेंस दोनों हो चुका होगा, तो टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है। प्री के लिए मान लीजिए आप बहुत ज्यादा टाइम आपको 2-3 महीने मिल सकता है और मेंस के लिए टोटल मिला के 4 महीने, तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी अगर आपने जो है चाहे तो कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपको फ्री ऑप्शनल देता है बिल्कुल। पॉलिटिकल साइंस का हमने पूरा करवा रखा है, पवर्ड का करवा रखा है और जो है हिंदी लिटरेचर का करवा रखा है, ठीक है। इसके अलावा हम ज्योग्राफी की हमारी बात चल रही है 2-3 लोगों से, हिस्ट्री के लिए भी मैं ढूंढ रहा हूं, कोई अगर अच्छा एडुकेटर मिलेगा तो जरूर लाएंगे। जितने ऑप्शनल ऐसे हैं जो बहुत सारे लोगों की डिमांड है उस पर बिल्कुल मैं बनवाना चाहता हूं कोर्स। कोई ऐसा है जिसके अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए हो, बहुत ज्यादा उसको नॉलेज है, एक्सपर्ट है, तो प्लीज हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है और जो है हम उसको जरूर पे करेंगे, लेकिन हमारे वीडियो सबके लिए फ्री है, ठीक है। इसमें जो है ऑप्शनल में मैंने, मुझे लगता है सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी, लेकिन अगर आपको ऑप्शनल तैयारी करनी है तो भैया पहले जीएस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब देख लेना और ये भी देख लेना कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ है। रिसोर्सेज आजकल हर जगह अवेलेबल है, अगर आपके पास ऑफलाइन नहीं मिल रहे हैं तो दिल्ली में कई सारे ऐसे भी जो है कोचिंग वाले हैं या फिर जो यहाँ पे दुकान होती है वो शॉप है, वो लोग घर तक मटेरियल भेजते हैं। कई ऑनलाइन इंस्टीट्यूट भी है, लेकिन ऑनलाइन में बस ये समझ लेना कोई भी कहीं भी लेना आप तो देख लेना कि वो लोग अपना कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं कि नहीं, आपको पूरा जो है सिलेबस का पॉइंट टू पॉइंट दे रहे हैं कि नहीं, उसके साथ साथ आपकी आंसर राइटिंग फीडबैक दे रहे हैं कि नहीं, लगातार आपके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं कि नहीं, पूरा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बता रहे हैं, आंसर लिखने का तरीका बता रहे हैं। अगर ये सब कोई कर रहा है तो बिल्कुल करिए, ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। कोई और सवाल अगर बचा हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से जो मैंने इसमें जो आप लोगों ने कई सारे अलग अलग माध्यम से पूछते हो वो सारे मैंने यहाँ पे सवाल के जवाब दे दिए हैं, ठीक है।